चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सोनीपत में बेमौसम हुई बारिश ने मंडी प्रशासन के सभी दावों को धोखा रख दिया है। मंडी में बारिश की वजह से खुले में रखे गेहूं के बोरे भीग गए हैं। मंडी में लाखों के गेहूं जो बोरे हैं वो खुले में पड़े हुए हैं। इनको रखने के लिए मंडी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया था। हालांकि मंडी प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मंडी में गेहूं की खरीदारी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हल्की बारिश ने ही सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं मंडी में गेहूं की ढेर लगे होने के चलते किसानों को भी मंडी में गेहूं पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में भी बेमौसमी बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है और सोनीपत में बेमौसमी बारिश के चलते मंडी में खुले में रखा हुआ काफी गेहूं जो है वो भीग गया है। दरअसल तस्वीरें भी आपको दिखा दें, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे साइड में कि किस प्रकार से गेहूं जो है वो भीग रहा है। और क्योंकि बारिश हालांकि ज़्यादा देर नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने जो है गेहूं को भिगो दिया है। ये पानी जो है गेहूं की जो कट्टे हैं यानी कि जो कट्टों के नीचे से पानी जो है वो दौड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं बारीकी से। ये देखो, क्योंकि मंडी में अगर बात करें तो कई हजार क्विंटल जो है गेहूं रखा हुआ है और करीबन लाखों की संख्या में यहाँ पर बैग रखे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से बेमौसमी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट किया गया था, बावजूद इसके सोनीपत में उठान कार्य काफी धीमी गति से हुआ और इसकी वजह से जो है आज बेमौसमी बारिश की वजह से काफी अनाज जो है वो भीग गया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। तो बेमौसम बारिश से एक बार फिर किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। मंडी से गेहूं उठान में जो लापरवाही बरती जा रही है उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बेमौसम बारिश की वजह से पहले किसानों की जो गेहूं की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके बाद जो फसल बची उन्हें लेकर किसान मंडियों तक पहुंचे, लेकिन वहां पर भी खुले में फसल रखी गेहूं रखी होने की वजह से बारिश की वजह से वो गेहूं भीग चुकी है। सीधे रुक करते हैं सोनीपत का, जहां से हमारे संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मंडियों की जो हालात है वो क्या कुछ बता रही है, क्योंकि जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है और किसानों को एक बार फिर मंडी प्रशासन की लापरवाहियों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, देर रात से ही जो है मौसम लगातार खराब चल रहा है और देर रात जो है करीबन 15 से 20 मिनट बारिश हुई। हालांकि जिस प्रकार से खुले में कई हजार क्विंटल जो है वो गेहूं रखा हुआ है और लाखों की संख्या में ये बैग रखे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से लापरवाही ये है कि प्रशासन को पहले से ही मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी है और ऐसे में जो है उठान कार्य इतना धीमी गति से चल रहा है जिसकी वजह से हजारों क्विंटल गेहूं जो है वो खुले में रखा हुआ है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है बैग्स रखे हुए हैं, खुले में अनाज रखा है और जिस प्रकार से देर रात बारिश हुई और बारिश में हालांकि जो गेहूं खुले में पड़ा हुआ वो जरूर भीगा, हालांकि ज्यादा मात्रा में नहीं भीग पाया, लेकिन जिस प्रकार से बूंदे लगने से जो है गेहूं की क्वालिटी पर जो है फर्क जरूर पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले प्राकृतिक मार खेतों पर पड़ी और उसके बाद जब नमी की मात्रा थी तो उस दौरान जो है काफी कुछ किसानों को समस्या थी, लेकिन इस वक्त भी अगर बात करें तो सोनीपत में काफी संख्या में जो है बैग रखे हुए हैं, लाखों की संख्या में बैग रखे हुए हैं। और जिसकी राम सिंह आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।